अब देखिए पतरस को ही भेजा जा रहा है, हैं? क्योंकि पतरस ने खड़े होकर कहा था कि भैया अगर तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, अगर केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तब उन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की। किससे प्रार्थना की? पिता से। जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं बपतिस्मे के बारे में। बपतिस्मे के चौथा भाग हमने देखा था कि बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, परंतु आज हम इस पांचवें भाग में और अंतिम भाग में हम ये सीखेंगे कि बपतिस्मा जो है किस नाम से लेना चाहिए। कोई कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए, कोई कहता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए, कोई कहता है पवित्र आत्मा के नाम से होना चाहिए, कोई कहता है यहोवा के नाम से होना चाहिए, कोई कुछ कहता है। मगर हमें यह पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन आखिर क्या कहता है। अब बहुत से लोग वचन से भी बात करते हैं, वचन को भी निकाल कर जो है वो दिखाएंगे, मगर बाइबल का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है यह हमें समझना चाहिए। सबसे पहले बात क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, एक ही परमेश्वर है, बिल्कुल सही है, हम उसको अलग अलग नहीं बात करते हैं, परंतु परमेश्वर का जो वचन का सिद्धांत है उसको सीखने की कोशिश करें। आरंभ से परमेश्वर जो है अपने साथ जो है किसी को बताता है कि कोई मेरे साथ उपस्थित है। कौन है वो? हम सिर्फ कहते नहीं साहब यीशु मसीह है, हम लोग मान लेते हैं नहीं साहब पवित्र आत्मा है, हम लोग कहते हैं नहीं साहब यहोवा है। आप सिर्फ यहोवा को माने, पवित्र आत्मा जो है वो कुछ नहीं है, और जो प्रभु यीशु मसीह है वो कुछ नहीं है, सब कुछ है वो यहोवा है। कोई कहता है कि साहब पवित्र आत्मा ही सब कुछ है, ना परमेश्वर यहोवा है ना प्रभु यीशु मसीह वो कुछ नहीं। कोई कहता है कि साहब प्रभु यीशु मसीह है, ना पवित्र आत्मा है ना यहोवा है। बड़ी दिक्कत है, मगर परमेश्वर जो है शुरू से उसके सिद्धांत अलग है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। ध्यान दीजिएगा, इस पद के अंदर परमेश्वर ने हम का प्रयोग करा है, मैं का नहीं। अगर वो अपने आप को अकेला प्रकट करना चाहता तो वो मैं शब्द का प्रयोग करता, हम शब्द का प्रयोग नहीं करता। हम शब्द का प्रयोग करने का मतलब है कि एक से ज्यादा लोग हैं। परमेश्वर कह रहा है किसी से। और चलिए एक पद और पढ़ लेते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यहां उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 7 पद में, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अब यहां लिखा आओ हम, किसको बुला रहा है, किसको कह रहा है कि आओ हम, यानी यहां पर भी क्या है, जरा इंग्लिश बाइबल को पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है हम का प्रयोग जो है, जब पहला पद पढ़ा गया था उत्पत्ति 1:26 उसमें लिखा लेट अस, और दूसरा जब पद पढ़ा गया उत्पत्ति 11:7 में यहां लिखा कम लेट अस, यानी आओ हम चलें। यहां जो परमेश्वर का वचन कहता आओ हम चलें, देखें चलकर, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। और जब आप देखेंगे परमेश्वर की आत्मा की बात करेंगे तो पुराने समय में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन पर परमेश्वर का आत्मा बहुबल से उतरा। अब यहां परमेश्वर जो है, देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं सब कुछ नहीं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, गिदोन के बारे में पढ़ लीजिएगा, न्यायियों की किताब 6:6-8 इफ्ता के बारे में, न्याय की पुस्तक 10:10-12, शिमशोन के बारे में, न्याय की पुस्तक 15:16। जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो लिखा परमेश्वर का आत्मा बहुबल से इनके ऊपर उतरा। अब देखिए वहां परमेश्वर भी है और यहाँ प्रभु यीशु मसीह जो है उसके बारे में भी दिखाया जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर साथ साथ लेकर चल रहा है। परमेश्वर अपने आप को भी प्रकट कर रहा है, अपनी आत्मा को भी प्रकट कर रहा है, और अपने पुत्र को भी जो है वो प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। प्रकाशित वाक्य, खास तौर से जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 4 और 8 पद पढ़ेंगे,
मगर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि मती 17 अध्याय उसका 5 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, यीशु मसीह का ईश्वरीय रूपांतरण होता है और याकूब पतरस और यूहन्ना तीनों उस रूप को देखते हैं और वो यीशु मसीह से बातचीत करते हैं। हम यहाँ पर 3 मंडप बनाए क्योंकि वो यीशु मसीह का ईश्वरीय रूप देख रहे हैं और एलिया और मूसा को भी उसके साथ में देख रहे हैं। मगर तब एक आकाशवाणी होती है, 5वें पद में कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। यानी एक आकाशवाणी हो रही, अब उसको वहां पर पुत्र कहा जा रहा है। कौन? आकाशवाणी। यहां वहां पर प्रभु यीशु मसीह। और यहां पर जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 4 पद और उसका 8 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी 3 रूप परमेश्वर के, तीनों समय में अलग अलग काम। यहोवा के नाम से उसने काम किया, यहोवा के नाम से सृष्टिकर्ता था वो, और जो है यानी पवित्र आत्मा का युग, और जो आने वाला है यानी न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने वाला है यहां पर। और वहां पर एक बात लिखी 8वें पद में जब आप पढ़ेंगे, यानी प्रभु परमेश्वर की बात है। वहां लिखा प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला। प्रभु परमेश्वर एक वचन की बात हो रही है यहां पर। यानी जो था पिता के रूप में परमेश्वर यहोवा, जो सृष्टि करता है बीता हुआ समय, जो है आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, जो सामर्थी आत्मा है, सत का आत्मा है यानी वर्तमान समय में, और जो आने वाला है अर्थात पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो न्यायकर्ता के रूप में है और आने वाला समय है। एक बार वो मनुष्य का पुत्र बनकर, यानी वो पुत्र बनकर आया बलिदान होने के लिए, अब वो जो है न्याय करने और राजा होने के लिए और न्यायाधीश बनकर जो है वो आने वाला है, उसके बारे में है। तीनों काल के विषय में बातचीत हो रही है। मैं एक आपको बड़ा अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा, पानी और पानी से निकलने वाली भाप। जब आप गर्म करते हैं किसी चीज को, जो भाप निकलती है वो भाप, और पानी को अगर आप जमाते हैं बर्फ बना देते हैं वो बर्फ। तीनों रूप है उसके, पानी पानी है तरल पदार्थ के रूप में, और भाप है यानी भाप के रूप में, और एक ठोस पदार्थ है यानी बर्फ के रूप में। परंतु जब आप इनके सूत्र के बारे में पढ़ेंगे तो इनका सूत्र तीनों का एक ही है, H2O। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर है, ये एक है, परंतु ये तीनों काल में तीनों समय में अलग अलग रूप में प्रकट हुआ और वो आज भी अलग है। और कब वो एक होगा, कब वो एक जीवित और वो परमेश्वर में फिर से सब परिवर्तित हो जाएगा, ये आने वाले संदेश आने वाले समय में जो है इसको सीखेंगे कि अभी हम क्या कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको देखेंगे। यहां कहता है प्रभु यीशु मसीह के कथन के बारे में पढ़ेंगे, पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 22 से 24 पद तक है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चलिए इसको पढ़ देते हैं। पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 22 से 24 पद तक है। यहां लिखा हुआ है झूठा कौन है, केवल वह जो यीशु मसीह के होने से इंकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इंकार करता है, दोनों का इंकार करता है कि नहीं साहब जो कुछ है वो यीशु मसीह है, पिता कुछ नहीं है, जो कुछ है पिता है, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं है। जो कोई पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। दोनों में परमेश्वर का वचन ये इस बात को कहता है। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम की जब बात आती है, पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। सिर्फ बपतिस्मा लेने की बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता है कि तुम जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, क्योंकि हमें एक नाम दिया गया है जिस नाम में हमारी पवित्रता है, जिस नाम से हमारी सुनी जाती है, हम जो कुछ भी काम करते हैं जो परमेश्वर की नजरों में अच्छे हैं वो सब यीशु मसीह के नाम में करना है। क्योंकि हमें जो है पिता से अगर हम कुछ मांग रहे, देखिए अब यहां पर क्या है, मांगना भी है अगर हमें स्वर्गीय पिता से तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहे। यहां पर यह नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मतलब यह नहीं है कि प्रभु पिता को छोड़ देना है, पिता को छोड़ने वाली बात नहीं है। यहां क्या लिखा हुआ है,
जब हम योहन्ना 15 उसका 16वां पद पढ़ेंगे, मैं पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ मेन चीज पढ़ रहा हूं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें देगा। फिर योहन्ना 16:23 में भी लिखा है, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वे मेरे नाम से तुम्हें देगा। तो वो यीशु मसीह के नाम से मांगना है, पिता को इग्नोर नहीं करना है, देने वाला पिता ही है, मगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से देगा। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही सब कुछ करोगे और पिता को इग्नोर करोगे तो कुछ नहीं मिलने का है। फिर क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मती 10:20 पद में लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर पिता के आत्मा की बात हो रही है, वहां प्रभु यीशु मसीह की और पिता की बात हो रही है, यानी पुत्र की और परमेश्वर की बात हो रही है, और यहां पर उसके आत्मा की बात हो रही है। किसके आत्मा की, पिता के आत्मा की बात हो रही है, वो पुत्र के आत्मा की बात नहीं कर रहा है, पिता के आत्मा की बात हो रही है। और यहां क्या लिखा हुआ है, जब हम पिता के आत्मा की बात करते हैं कि क्यों लिखा हुआ, परंतु वे किसी में नहीं बोलता। आज क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें बोलता, कौन कह रहा है परमेश्वर का आत्मा बोलता है, क्योंकि इस संसार के अंदर झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित और झूठे उपदेशक खड़े हो गए हैं और सब ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमें बोला। अगर परमेश्वर का आत्मा हमें बोल रहा है तो हम इन तीनों को, तीनों के रूप को, तीनों काल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इन तीनों को साथ लेकर चलना है, क्योंकि शुरू से लेकर आखिर तक जो है ये तीनों साथ साथ बने हैं, परंतु ये तीनों एक में परिवर्तित हो जाएंगे। वो समय कब आएगा इसको देखेंगे, मगर पहले हम परमेश्वर के इस वचन को देखें कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में क्या है। वर्तमान समय में ये तीनों रूप अलग है, पिता का रूप अलग है, पुत्र का रूप अलग है और पवित्र आत्मा का रूप अलग है, तीनों का समय काल अलग है, पर और ये तीनों अभी अलग है। तब भी कहते हैं कि न्यायकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह आएगा, मगर ये तीनों एक हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, चलिए मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला कुरंतियों, जी हाँ पहला कुरंतियों और उसका 15वां अध्याय निकाल लीजिए जरा, जी 15वां अध्याय और उसका 27:28 पद, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि ये तीनों कब एक में परिवर्तित होंगे। अभी ये तीनों अलग अलग हैं और इसलिए इनको अलग अलग मानना, इनकी सामर्थ को मानना, इनके नाम को मानना हमारे लिए जरूरी है। जी पहला कुरंतियों 15 अध्याय उसका 27:28 पद, पहले 27 पद पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वे कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा, वह इंटरफेयर नहीं करता उसके काम में, वह अलग रहा। 28 पद जरा ध्यान दीजिएगा, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब। जब तक प्रभु यीशु मसीह के अधीन सब कुछ नहीं हो जाता तब तक जो है वो अलग अलग है, और जब सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के अधीन हो जाएगा, फिर सब में परमेश्वर विराजमान होगा। और देखिए पौलुस इस बात को कह रहा है और ये कब होगा, जी हाँ परमेश्वर का वचन कहता ना, कहते हैं यशया 9 उसका 6 पढ़ेंगे कि वो अनंत काल का पिता हमें एक पुत्र दे गया जो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, यानी वो प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता बन जाएगा, मगर कब बनेगा, जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, अभी उसके कुछ अधीन नहीं हुआ। क्या आप उसके अधीन हैं? आने वाला समय जो है वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह अपने अधीन करने आ रहा है, जब सब कुछ वो अपने अधीन कर लेगा तो वो पिता के अधीन हो जाएगा और वो अनंत काल का जो पिता है वो बन जाएगा। अब पतरस और योहन्ना पौलुस की बात करते हैं, पतरस और अक्सर लोग जो हैं इस विवाद में पड़ जाते हैं कि पतरस और पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए और जो कुछ भी करें, हाँ यीशु मसीह के नाम से हमें सब कुछ करना, मगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है, मैं फिर बताना चाहूंगा कि बपतिस्मे का मतलब है दफन होना, यानी यीशु मसीह के नाम से दफन होना है, यीशु मसीह के नाम से अपने पापों को ढो डालना है, यीशु मसीह के नाम से हमें मन फिराव करना है और यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा हमें परमेश्वर से मांगनी है, मांगना है पापों की क्षमा मांगनी है, प्रभु हमें अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे पापों से हमें छुटकारा दे, हमें माफ कर। यहाँ पतरस जो है प्रेरितों के काम 2 उसके 38 पद को जब पढ़ेंगे और प्रेरितों के काम 19 उसका 4-5 पद पढ़ेंगे
कि वहां पतरस और पौलुस कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। चलिए इस बात को मान लेते हैं। और यीशु मसीह के नाम से लेने का जो अर्थ है वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से लेने का अर्थ अभी मैंने एक बताया, अब मैं बाइबल से आपको रेफरेंस दे रहा हूं, बाइबल से पढ़ के बता रहा हूं। प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 16वें पद में लिखा हुआ है, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पाप को धो डाल। वो कौन कह रहा, पौलुस कह रहा, उठ और अब बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। उसका नाम लेकर धोना है, अपने पापों की क्षमा जो है परमेश्वर से मांगना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशाया 1 अध्याय उसका 18वें पद में लिखा हुआ है कि आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे अग्वनी रंग के हो चाहे लाल रंग के हो, मैं हिम के समान श्वेत करूंगा। पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि पिता जो है वो पापों को क्षमा करता है, पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर का वचन कहता है। अब यहां पर जो है, जब पतरस इस बात को कहता है, ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 38 पद में लिखा है कि पतरस जब खड़े होकर प्रचार करता है, लोगों के हृदय चिढ़ जाते हैं और लोग पूछते हैं हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब वो कहता है मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। अब इसके 41 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है लगभग 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। अब 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया है, मगर क्या कह रहा है पतरस, अगर तुमने बपतिस्मा लिया, अपने पापों को धोया, मन फिराया और बपतिस्मा लिया यीशु मसीह के नाम से, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और 41 पद में लिखा है 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, मगर क्या पवित्र आत्मा पाया। चलिए देखते हैं पवित्र आत्मा पाया या नहीं पाया, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 14 से 16 पद तक पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब प्रेरितों ने जो यरूशलम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, कि पतरस और यहन्ना को उनके पास भेजा। अब देखिए पतरस को ही भेजा जा रहा है, क्योंकि पतरस ने खड़े होकर कहा था कि भैया अगर तुम यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, इसलिए पतरस को भेजा जा रहा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 15वां पद, कि उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं। अब इन्होंने तो बपतिस्मा ले लिया था परंतु पवित्र आत्मा इन्हें नहीं मिला था। अब 16वां पद जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। भैया क्यों ना उतरा, पतरस तो बड़े गर्व के साथ बड़े बेधड़क होकर कह रहा था कि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लोगे। यहां लिखा हुआ है कि उनमें से किसी के ऊपर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, केवल। यानी यहां लिखा हुआ है, जब आप इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे, ओनली बीन बैप्टाइज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस, ओनली केवल केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, इसलिए पवित्र आत्मा उन्हें नहीं मिला। भैया अगर केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तब उन्होंने उनके लिए प्रार्थनाएं की, किससे प्रार्थना की, पिता से, जो कुछ तुम मेरे पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। तब उन्होंने पिता से प्रार्थना करी और उन्होंने उनके ऊपर हाथ रखे और यीशु मसीह के नाम से मांगा, तब पवित्र आत्मा पहुंचे पिता के पास। हां, यीशु मसीह के नाम में पहुंचे, तब पवित्र आत्मा उतर कर आया। जरा समझने की कोशिश करें। अब बहुत से लोग बहस करते हैं, कमेंट करते हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो सिखा रहा है वही चीज सही है। जो भेद है उसको समझने की कोशिश जो है वह हमें करना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो है कि बता रहा है, जब आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 19 पद पढ़ेंगे, अब देखिए बड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा डिटेल बता देना चाह रहा हूं। जब पतरस को पकड़ा गया और पतरस को पकड़कर और उन्हें कहा कि तुम जो कुछ भी है यीशु मसीह के नाम से कुछ भी नहीं करोगे, हैं? तो वहां पर पतरस क्या कहता है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। तब उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम क्यों लिया, तब वो कह रहा कि परमेश्वर की बात से बढ़कर हम तुम्हारी बात माने। फिर जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये कहा
मती 28 अध्याय उसके 19 पद में कि तुम जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तब उसने प्रभु यीशु मसीह जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, जो बलिदान होने के बाद उसने ईश्वरीय रूप को प्राप्त कर लिया और वो ईश्वर होकर आया, तब उसने उस परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की, उस प्रभु यीशु मसीह की बात को क्यों नहीं माना। यहां लोगों के सामने तो बड़े बेधड़क होकर कह रहा है कि हम जो है परमेश्वर की बात से बढ़कर क्या हम मनुष्य की बात माने। और यहां पर क्या है, कुछ और ही दिखाई दे रहा है कि मती 28 उसके 19 में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने की बात है, जो था, जो है, जो आने वाला है। और यहां पर क्या हो रहा है, पतरस जो है अब अपनी समझ का सहारा ले रहा है, और इसलिए उन्होंने बपतिस्मा तो पाया, उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया, तो उन्होंने कहा यार पतरस ने तो कहा था पवित्र आत्मा का भी दान मिलेगा, हमने बपतिस्मा तो ले लिया, अभी तक नहीं मिला, क्या बात हो गई, क्यों नहीं मिला। जब इस बात की चर्चा हुई और इस बात की चर्चा लोगों में फैली, तब चेलों ने पतरस और यूहन्ना को भेजा कि भाई जाओ, उनको पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला, तुमने खड़े होकर कहा था कि मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, उन्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला। तब पतरस जाता है, उनके लिए प्रार्थना करता है पिता से और यीशु मसीह के नाम से मांगता है, तब पवित्र आत्मा पिता के पास से उतर कर उनमें आता। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे पतरस कहता ना कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर क्या मनुष्यों की बात माने, हम मनुष्यों की बात नहीं, हम सिर्फ परमेश्वर की बात माने। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह आज्ञा दी है, प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी और अंतिम आज्ञा जो है वो ये है कि जाओ और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। तो हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। पिता यहोवा सृष्टिकर्ता जो था, पवित्र आत्मा वो सत का आत्मा वर्तमान समय में जो पवित्र आत्मा है, और प्रभु यीशु मसीह पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला न्यायकर्ता के रूप में, जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके नाम से इनको इग्नोर नहीं करना है। इसलिए हमें जब भी बपतिस्मा लें, अब ठीक है आप कह सकते हैं कि पिता अर्थात यहोवा के नाम से, पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आत्मा अर्थात सत के आत्मा के नाम से मैं तुम्हें बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और यही सत्य है और इसी को मानना है। प्रभु आप सबको आशीष दें।